इन दोनों चॉकलेट में से कौन सी चॉकलेट पहले मेल्ट होगी आज मैं इसी चीज का पता लगाने वाला हूँ। डेयरी मिल्क के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नेस्ले क्लासिक के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट को खोलकर एक प्लेट में रख लेता हूँ और उसके बाद नेस्ले क्लासिक को भी खोलकर एक प्लेट में रख लेता हूँ और अब मैं देखने लग जाता हूँ कि इन दोनों में से पहले कौन सी चॉकलेट मेल्ट होगी। आप मुझे कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सी चॉकलेट पहले मेल्ट होगी। 5 मिनट के बाद तो डेयरी मिल्क मेल्ट होने लगती है और नेस्ले क्लासिक एकदम चकाचकती है। मैं और मेल्ट करने के लिए इधर से उधर लेके घूमने लगता हूं। लगभग 10 मिनट के बाद तो डेयरी मिल्क के पसीने छूट गए थे और नेस्ले क्लासिक अभी भी वैसी की वैसी थी। मैं इनको लिए लिए थक जाता हूं, फिर इनको एक जगह पर रखकर इनके मेल्ट होने का इंतजार करने लगता हूं और इनके साथ साथ मैं भी मेल्ट हो रहा था। मुझे काफी देर तक इनके मेल्ट होने का इंतजार करना पड़ रहा था। 15 मिनट के बाद तो नेस्ले क्लासिक भी हल्की हल्की मेल्ट होने लगी थी और डेयरी मिल्क तो आधे से ज्यादा मेल्ट हो चुकी थी। मैं इनकी अग्नि परीक्षा लेते हुए सूरज के सामने लेके खड़ा हो जाता हूं। लगभग 20 मिनट के बाद तो डेयरी मिल्क चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी थी और हमारे आज के टेस्ट की विनर है नेस्ले क्लासिक। अपनी फेवरेट चॉकलेट का नाम कमेंट में बताएं।